जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। होटल और मिष्ठान व्यापारी के यहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई। जयपुर और जोधपुर में आयकर सर्वे चल रहा है। जोधपुर के अलावा मथानिया रामपुरा में भी आयकर सर्वे चल रहा है। 20 से ज्यादा आयकर अधिकारी कर्मचारी टीम में शामिल हैं और रावत मिष्ठान भंडार से लेकर होटल रावत, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर आयकर विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो जोधपुर और जयपुर के तमाम ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। चाहे जोधपुर और जयपुर की बात करें, रावत मिष्ठान भंडार एक नामी शॉप है जहां पर बड़ी संख्या में खरीदार मिठाई खरीदने के लिए आते हैं, और रावत मिष्ठान भंडार के कई ठिकानों पर, होटल पर भी जी ये कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। अब इस कार्रवाई के बाद कई खुलासे होने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल आयकर विभाग के हाथ क्या लगा है, क्या कोई कैश लगा है या फिर कोई दस्तावेज लगे हैं, अभी इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है। ये कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। होटल रावत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जोधपुर में रावत होटल और मिष्ठान भंडार पर यह कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आयकर विभाग लगातार रावत ग्रुप के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है, कितने दिनों से ये कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ निकलकर इस कार्रवाई से आया अब तक? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह चल रही है। इसके अलावा इनके जो ग्रुप है मथानिया और उधर भी एक टीम पहुंची हुई है, सूचना मिल रही है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब क्या अभी कुछ भी पहले नहीं बताया जा सकता कि क्या क्या मतलब उनके पास मिला है, फिलहाल कोई सूचना बाहर नहीं है, लेकिन तमाम दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। जयपुर में भी एक टीम कार्रवाई कर रही है, दूसरी जोधपुर में कर रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। अभी भी जो है टीम के कार्रवाई की जो टीम है वो इनके ग्रुप के जो राउट है वहां पे मौजूद है, और अंदर तमाम जो लोग हैं वो बाहर पैरा भी पुलिस का लगाया गया है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, ये कार्रवाई ना सिर्फ जोधपुर बल्कि जयपुर में भी तमाम ठिकानों पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि 20 से ज्यादा आयकर विभाग के जो कर्मी हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जो ये बताता है कि छापा जो मारा गया है ये बड़े लेवल पर मारा जा रहा है इनकम टैक्स की तरफ से। निश्चित तौर रूप से जिस तरीके से टीमें लगातार जो संख्या के साथ दोनों जगह पर, जो खासकर जयपुर और जोधपुर दोनों जगह ये टीमें पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं राउत जो ग्रुप है उसके जो है पहले से ही इस पर आयकर की नजर थी, और अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी क्या कुछ है ये भी अभी सामने आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार जारी भी है। जितेंद्र, रावत ग्रुप के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है इसके पीछे के कारण क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आयकर की टीम पहुंची है, आयकर जो है आय संपत्ति को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनके द्वारा जो आय जमा कराने की जो होती है वो कार्रवाई शायद सही रूप से नहीं हो रही होगी, इसी वजह से टीमें पहुंची। अभी फिलहाल क्या कुछ होगा, क्या निकल के सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल जोधपुर और जयपुर में रावत ग्रुप के तमाम ठिकानों पर छापा मारा है, तो अब क्या कुछ निकल कर आएगा ये कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, 20 से ज्यादा आयकर विभाग के कर्मी इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।